अगले साल से बिहार के कई जिलों में गैस सिलेंडर खरीदने का झंझट होगा खत्म। 2023 में बिहार के कई जिलों में पाइप से पहुंचाई जाएगी रसोई गैस। अगले साल से नहीं खरीदनी होगी आपको गैस सिलेंडर। बिहार के कई जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम अपने अंतिम चरण में। अभी देखा जाए तो सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में ही गैस पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाई जाती है। वहीं आपको बता दूं कि अभी भी बिहार की राजधानी पटना में पूरी तरीके से घर घर तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाई नहीं जाती है। वहीं इसके साथ साथ 2023 में बिहार के कई जिलों में आपको पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसकी तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है। IOCL कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पटना, बेगूसराय व मधेपुरा में अभी फिलहाल गैस पाइपलाइन से गैस दी जाएगी। इसके साथ साथ सहरसा में जून महीने से, इसके अलावा खगड़िया में भी आपको आने वाले समय में पाइपलाइन के जरिए गैस उपलब्ध कराई जाएगी। उधर गेल कंपनी के IOCL ने सिर्फ गैस उपलब्ध कराएगी, जबकि मधेपुरा, सहरसा व खगड़िया जिला में पाइप बिछाने को लेकर लोगों के घरों में कनेक्शन देने और उसके मेंटेनेंस का काम IOCL का काम होगा। काम करा रहे IOCL के एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि यह काम करीब करीब पूरा हो चुका है और जल्द ही पाइप के जरिए लोगों के घरों तक गैस पहुंचाई जाएगी। वहीं अगर पटना, बेगूसराय, मधेपुरा और खगड़िया जिला से आप आते हैं और आप भी चाहते हैं कि गैस कनेक्शन लगवा सकें, तो आपको भी गैस कनेक्शन चार्ज के बारे में जान लेनी चाहिए। आपको बता दूं कि IOCL की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आपको गैस कनेक्शन लेने के लिए ₹618 चार्ज देने पड़ेंगे। वहीं इसी में आपको पाइप, मीटर और अन्य इक्विपमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ IOCL ने यह भी जानकारी दी है कि यह गैस कनेक्शन या गैस पाइपलाइन पूरी तरीके से सुरक्षित होगा, इससे किसी भी प्रकार का किसी को भी खतरा नहीं होगा। वहीं गैस पाइपलाइन की कनेक्शन लेना बहुत ही आसान होगा। इसके लिए प्रक्रिया भी बहुत आसान होगी, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकेंगे। उधर क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इन सभी प्रोजेक्ट पर करीब करीब 200 करोड़ रुपए खर्च आएगी, जिससे बिहार के इन जिलों में गैस पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंच सकेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार का प्रोजेक्ट बिहार के अन्य जिलों में भी लागू किया जाना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।